इस बार क्या गुजरात में कोई बदलाव होगा या भाजपा का जादू बरकरार रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी के मुकाबले को भी त्रिकोणीय बना पाएगी? आइए सारे समीकरण आपको समझाते हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। राज्य में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। पिछले 24 सालों में राज्य में भाजपा की सरकार है, ऐसे में सबकी नजर इस बार के चुनाव पर टिकी हुई है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, क्या है सवाल, चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि इस बार गुजरात में कौन बदलाव लाएगा, इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा भी या नहीं, भाजपा का जादू बरकरार रहेगा या नहीं, क्या आम आदमी पार्टी मुकाबले के त्रिकोणीय बना पाएगी या नहीं, सारे सवाल जो है आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे। दरअसल गुजरात में पिछली बार दो चरण में चुनाव हुए थे। 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ था। पिछले चरण के लिए 14 नवंबर की अधिसूची जारी हुई थी और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को पहले चरण के का चुनाव जो है वो 9 दिसंबर 2017 और दूसरे चरण का चुनाव 14 दिसंबर को हुआ। नतीजे 18 दिसंबर को आए थे। पहले चरण में 79 और दूसरे प्रतिशत में 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अब क्या इस बार बदलेंगे समीकरण, ये भी सवाल है जिसका जवाब हम आपको देंगे। यूं तो पिछले 24 सालों से गुजरात की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस में 2017 के साथ रहे कई बड़े चेहरे इस बार पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इसमें हार्दिक पटेल और अपलेश ठाकरे जैसे कई नाम शामिल हैं। हार्दिक ने हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। अल्पेश द्वारा 2017 में कांग्रेस विधायक बने थे, उन्होंने विधायकी छोड़कर भाजपा का दामन थामा। हालांकि बाद में हुए उपचुनावों में उन्हें हार मिली थी। अब मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं जो उन पर अगर बात की जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीतने में कामयाब होती है तो भूपेंद्र भाई पटेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, जो उस वक्त जब चुनाव के 15 महीने पहले विजय रूपानी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्हें उनके ही नेतृत्व में चुनाव हुए और पार्टी ने जीतने के बाद उन्हें फिर से सीएम बना दिया था। अब दूसरा जो नाम है वो है जगदीश भाई मोती जी ठाकुर। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश भाई कांग्रेस की तरफ से सीएम पद की रेस में है। हालांकि अभी पार्टी ने किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। जगदीश भाई के अलावा कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गहलोत, साथ ही साथ जिग्नेश मेवानी व कुछ अन्य नेता भी इस दौड़ में शामिल हैं। गोपाल इटालिया, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी सीएम पद की रेस में हैं। अगर आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो गोपाल इटालिया हैं वो पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। गोपाल इटालिया इन दिनों काफी विवादों में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था, इसके बाद उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। अब चुनाव प्रचार के प्रमुख चेहरे कौन है? नरेंद्र मोदी 2014 के बाद चुनाव कहीं भी हो भाजपा के लिए चेहरे प्रधानमंत्री मोदी ही होते हैं। गुजरात में तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी का ही है। मोदी 12 साल से भी ज्यादा समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी ने चुनाव की घोषणा से पहले रैलियां कर रहे थे। फिलहाल वे सरकारी योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरे हैं अमित शाह। पीएम मोदी के बाद गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए दूसरे सबसे बड़े चेहरे हैं अमित शाह। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से सांसद हैं, गुजरात के ही रहने वाले हैं और राजनीति में आने से पहले इनकी पूरी राजनीति गुजरात पर ही फोकस रही है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने के बाद अरविंद केजरीवाल का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया। यही कारण है कि उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में उन्हें चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल चुनाव प्रचार में प्रमुख चेहरे हैं। प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी वे यात्रा पर ही रहेंगे। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी होंगी।
प्रियंका राज्य के चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका में दिखाई देंगी। इसके साथ ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहली प्रशिक्षा गुजरात और हिमाचल चुनाव में ही होनी है। चुनाव के विपक्ष के अब बड़े मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं इस पर आपको बताते हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद भी विपक्ष किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है। गुजरात में भी ये बड़ा मुद्दा बना है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है लेकिन किसानों का नहीं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुद्दे की भी विपक्ष चुनाव प्रचार के दौरान लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है। युवाओं में रोजगार के कम अवसर की वजह असंतोष की बातें भी गुजरात में लगातार हो रही। भर्ती प्रशिक्षाओं में भी देरी का भी मुद्दा जो था वो चुनाव के दौरान हावी रहा है। इसी के साथ एक और मुद्दा है, वो है महंगाई। इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा हावी हो रहा है। इसके अक्सर असर गुजरात चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। अभी से विपक्ष दलों के नेता महंगाई पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें, सब्जी और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर भी सरकार निशाने पर है। अब सत्ताधारी भाजपा के क्या क्या मुद्दे हैं? भाजपा ने विकास, राष्ट्र सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीब किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। भाजपा हर जगह अपने विकास कार्यों की गिनती कर रहा है। एम्स, इसी के साथ IIT जैसे राष्ट्र स्तर के संस्थानों को बनाने की बात कह रहा है। हाईवे पुल, अंडरब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे कई अन्य कार्यों की को जो है वो बताकर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की लगातार अपील कर रहा है। लेकिन ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। आने वाले वक्त में क्या इसके नतीजे होंगे ये भी सभी को पता चल जाएगा। वही फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।